इस इंजीनियर ने नौकरी छोड़ शुरू किया मछली पालन। अब हर सीजन कमा रहे हैं 10 लाख रुपए का मुनाफा। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेने से घबराते हैं। हालांकि कुछ नया करने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना जरूरी होता है। कुछ ऐसा ही एक युवा ने कर दिखाया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। घर वालों ने अपने इंजीनियर बेटे को खेती करने से मना किया तो उन्होंने मत्स्य पालन शुरू कर दिया। अब वो 10 लाख रुपए प्रति महीना कमा रहा है। पिता ने खेती करने से रोका। प्रखर प्रताप का जन्म उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक किसान परिवार में हुआ। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई गांव के एक स्कूल से पूरी। खुद एक किसान होने के नाते प्रखर के पिता ने उन्हें हमेशा खेती करने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो खेती में आने वाली दिक्कतों को जानते थे। पिता का सपना था कि उनका बेटा एक सिविल इंजीनियर बने, लेकिन प्रखर की तो खेती में ही रुचि थी। उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। प्रखर ने पढ़ाई पूरी होने के बाद FLCL कोलकाता मेट्रो, एरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपरटेक आदि कंपनियों में काम किया, जिससे प्रखर को ग्रामीण और शहरी भारत में लोगों के जीवन के बारे में जानने को मिला। विशेष रूप से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जिलों में उनके दौरों ने उन्हें मछली पालन की दुनिया से परिचित कराया। कृषि में प्रखर की पहली रुचि मछली पालन की मूल बातें सीखने के बाद शुरू हुई। उन्होंने जल्द ही अपने गांव में पारंपरिक खेती के साथ साथ मछली पालन को एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में शुरू करने की योजना बनाना शुरू की। प्रखर जानते थे कि एक सफल मछली पालन व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अपने परिवार को मछली पालन शुरू करने के लिए राजी करना आसान नहीं था। उन्होंने किसी तरह अपने परिवार को मनाया और काम करना शुरू किया। उन्होंने मदद के लिए स्थानीय मत्स्य विभाग से संपर्क किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि विभाग में स्पेशलाइजेशन की कमी है। तकनीकी कमी के कारण पहला साल असफलताओं और सीखों से भरा रहा। मछली पालन विशेषज्ञ को किया आमंत्रित। प्रखर को पहले वर्ष के नुकसान ने एक अच्छा सबक दिया। वो जल्द ही उत्तर प्रदेश के एक मछली पालन विशेषज्ञ से संपर्क में आए और उसे अपने गांव आने के लिए आमंत्रित किया। वो विशेषज्ञ उनके गांव का दौरा करने और कुछ दिन के लिए वहां रहने के लिए तैयार हुआ। प्रखर के गांव में अपने 4 दिनों के प्रवास के दौरान विशेषज्ञ ने कुछ तकनीकों की मूल समस्या का पता लगाया। इस व्यवसाय ने तत्काल परिणाम दिखाए और प्रखर के खेतों ने बहुत जल्द मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। अपने संचालन के दूसरे वर्ष में प्रखर ने 10 लाख रुपए का अच्छा लाभ कमाया। 10 लाख रुपए का लाभ न केवल पैसों के मामले में महत्वपूर्ण था, बल्कि मछली पालन के लिए नौकरी छोड़ने के उनके फैसले को सही साबित करने का प्रमाण भी था। उनका अंतिम वेतन 40 लाख रुपए प्रति महीना था। प्रखर ने न केवल मछली पालन व्यवसाय स्थापित किया, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों को उनकी चल रही कृषि गतिविधियों के साथ मछली पालन करने में मदद की। मछली पालन की नई तकनीक किसानों को अपने खेत से पहले की तुलना में अधिक कमाई करने में मदद कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।